माई चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज इतनी सारी ऊन देख के आप सोच रहे होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा और खूबसूरत सा आइटम बताने वाली हूँ जिसमें आपको लगनी है डिफरेंट कलर की वूल। ग्रीन कलर की वूल मस्ट है, आपको ज़रूर से ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। और इसमें लगी हैं 4 mm की मोतियाँ। लगेगी आपको एक सुई सिलने के लिए और एक कैची धागे को कट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज क्या बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थ्रेड से बनाना चाहते हैं, जो रेशम के थ्रेड आते हैं उससे भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बन के उससे भी रेडी होगा। आप चाहें तो वूल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वूल को यूज़ किया है और ये 3-ply की वूल है और इसमें मैं 3 mm का क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी। तो 3 mm के क्रोशिया हुक में आप 9 नंबर या 10 नंबर का लगा सकते हैं और 2-ply की अगर ऊल है आपके पास तो आप 8 नंबर के क्रोशिया हुक को यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चेन बना लेनी है। तो मैं इसमें 15 चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल 15 चेन मैंने इसमें बनाई है। आप चाहें तो 12 चेन से भी वर्क कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और छोटा चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, 1, 2, 2 चेन को स्किप कर देंगे और 3rd नंबर वाली चेन में डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी चेन से फिर से डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 चेन हो गई और 2 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस से हो गई। तो एक चेन से हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। नेक्स्ट चेन में डालेंगे और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 अगेन इसके बाद वाली चेन में डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बेसिकली इसमें जितनी भी चेन बनी हुई है, जितनी भी चेन आपने बनाई है, उन सब में आपको 3 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा ये फूल है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और अगर आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में बनाना चाहते हैं, मीन्स अगर आप माता रानी के कपड़े बना रहे हैं उसमें लगा लीजिए, या फिर लड्डू गोपाल के कपड़ों में लगा सकते हैं, बच्चों की ड्रेसेस में आप लगा सकते हैं, या अगर आप कोई शॉल बना रहे हैं तो उस शॉल में आप पूरे बॉर्डर में इसे लगाइए। बहुत ही कलरफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं ज़रूर इसे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। अगर आप तोरण वगैरह बनाना चाहते हैं तो भी इससे बना सकते हैं और बहुत जल्दी भी बन के रेडी हो जाता है। बस बची हुई ऊन जो है बैठे बैठे बस क्रोशिया आपको इस तरह से चलानी है और आपका एक एक फूल बन के रेडी हो जाएगा। पहले सारे फूल बना लीजिए फिर उन्हें सिल लीजिए। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न। तो इस तरह से सब में 3 3 डबल क्रोशिया बना के एंड पर आएंगे। ये देखिए पूरे में सेम वैसे ही मैंने 3 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। वर्क के एंड में एक चेन बनाएंगे और थोड़ा सा धागे को लंबा कट करिएगा। थोड़ी सी इसमें धागा सिलने भर का धागा जितना भी आपको लगे उतना धागा इसमें आप कट कर लीजिए। और अब इसे यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। इस धागे में हमें सुई को डाल लेना है और सुई को डालने के बाद अब ये वाला देखिए, ये चेन वाला पार्ट है, ये ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर है। तो यहाँ से सुई को इस तरह से निकाल लीजिए और जो चेन वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाइए। और अब इस वर्क को हमें इस तरह से टर्न करना है। तो इतनी ज़्यादा इसमें डबल क्रोशिया बनी हुई है कि अपने आप ही टर्न हो जाता है, बहुत इजीली टर्न होगा। कोई भी आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए ये बिल्कुल खिलता हुआ गुलाब जैसा ये बनता है। किसी भी कलर से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अब यहाँ पे जहाँ नीचे आपने नीचे वाला जो हिस्सा है इसका, इसे हमें सिंपली सिल लेना है। नीचे के सारे पार्ट सुई में आ जाने चाहिए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा ताकि वो बीच से फिर निकले ना। और अब जब ये पूरा सिल जाए तो फिर से जहां से
चेन सुई आपने स्टार्ट की थी वहाँ पे आ जाइए। ये जो इसका कॉर्नर वाला ये वाला जो पार्ट है अब हमें इसे सिलना है। तो यहाँ पे इस जगह से डबल क्रोशिया में से डालेंगे इसे, और इसके जो कॉर्नर को है इसमें इस तरह से इसे हल्का सा इसे अटैच करते हुए सिल लेंगे। और अब आपको फिर से यहाँ से सुई को डालते हुए बिल्कुल जस्ट बीचों बीच आ जाना है। बीचों बीच आने के बाद ये देखिए ये जस्ट बीच वाला हिस्सा है। ओके, यहाँ से आपको नीचे से सुई को निकालना है और यहाँ पे लगेगी आपकी एक मोती। ये 4 mm की मोतियाँ हैं, मोती है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। एक में एक ही मोती लगेगी, तो जितने भी फूल आपको बनाने हैं उतनी मोती आपको इसमें लगेगी। और यहाँ से निकालने के बाद जस्ट इसी के बगल से थोड़ा सा हल्का सा हटके सेम इसी प्लेस से आपको सुई को फिर से अंदर की तरफ डालना है और नीचे से निकाल लेना है। तो ये देखिए ये आपकी जो मोती है ये इसमें अटैच हो चुकी है। सुई को अभी ना निकालें, सुई को अभी इसमें ही लगा रहने दें। तो पहले मैं इसकी लीफ बनाना आपको बताती हूँ, लीफ इसमें किस तरह से लगाना है। लीफ को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 6 चेन बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ, 6 चेन बना के फर्स्ट नंबर वाली चेन में स्लिप स्टिच से वर्क को ऐड कर देंगे। एक चेन, ये जो होल 6 चेन का बन के रेडी हुआ है इसी से डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। एक लूप लेंगे सेम इसी से डालेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, और अब इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक दो तीन, एक दो तीन, 3 चेन बना के ये जहाँ से देखेगा जो 3rd नंबर वाली चेन डबल क्रोशिया बनाई है, तीसरी वाली मीन्स जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से ऊपर से डालेंगे और एक पाइकॉट बना के यहाँ पे रेडी कर लेंगे। जस्ट स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल लिया। अगेन इसी वाली चेन स्पेस से जो बीच में होल है इसी से डालना है और 3 डबल क्रोशिया, एक दो तीन, 3 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, और सेम इसी स्पेस से डाल के एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए ये लीफ बन के रेडी हुई। और ये जो इसका एक्स्ट्रा थ्रेड है इन दोनों को हमें इसी में पीछे की तरफ हल्का सा डालना है और इसे एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। ये देखिए, और अब जो आपने फ्लावर बनाया है इसी फ्लावर में इसे हमें यहाँ पे अटैच करना है। आप चाहें तो 2 लगा सकते हैं, आप चाहें तो 1 लगा सकती हैं। तो यहाँ देखिए ऐसे लगाएंगे इसे और इसी सुई से इसे हल्का हल्का सिल देंगे।
और अब इस थ्रेड को भी, जो आपका एक्स्ट्रा थ्रेड बचा हुआ है, इसे अंदर की तरफ डाल देंगे। ये देखिए, ये है पीछे से फूल आपका और ये है आगे। मैंने कई डिफरेंट कलर्स में ये बनाए हैं, पिंक भी है, येलो भी है, ये फिरोजी कलर है, तो आप किसी भी कलर में बनाइए फ्रेंड्स, अच्छा ही लगने वाला है। आई होप आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।